से फॉर्म ऑनलाइन न होने के कारण छात्र हो रहे हैं स्कॉलरशिप से वंचित। DYO द्वारा आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में मांग की गई कि छात्रों के फॉर्म जल्द से जल्द ऑनलाइन कराए जाएं, जिससे कि उन्हें स्कॉलरशिप मिल सके। साथ ही फॉर्म ऑनलाइन न हो पाने के कारण छात्रों को आवास योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। अभी ओपन तो हो रहा है लेकिन सबमिट नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम है। हाँ, तो अब हम इसमें ये चाहते हैं कि हम लोग कई सारे लोग गांव से आ रहे हैं, किराया लगा के बार बार स्टूडेंट आ रहे हैं गांव से। एक बार कॉलेज प्रिंसिपल को अवगत कराया इस प्रॉब्लम से, दूसरा हम लोगों ने यहाँ पर भी आके एक जो अधिकारी हैं सर से भी, उनसे भी हम लोगों ने पहले बोला, तो हम लोगों को 5 बार डेट दे चुकी है। उन्होंने पहले बोला 31 तारीख तक, फिर 1 तारीख का बोल दिया जाता है। हायर एजुकेशन की प्रॉब्लम है भोपाल की, तो सर जिले की प्रॉब्लम है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सर की है। तो यहाँ पर मैम इसमें प्रॉब्लम ये है कि पोर्टल क्या है, MP स्कॉलरशिप पोर्टल, MP ऑनलाइन का पोर्टल। मैम इसमें यही है कि अभी जो जनवरी का महीना चल रहा है, पर गुना कलेक्ट्रेट में छात्र संगठन DSO की तरफ से छात्रों की जो बेसिक समस्या है कि अभी जनवरी का महीना चल रहा है और इस वक्त तक स्कॉलरशिप आ जानी चाहिए थी, लेकिन ये दुख की बात है प्रशासन और शासन के लापरवाही के चलते अभी तक छात्रों के स्कॉलरशिप फॉर्म ऑनलाइन नहीं हो रहे हैं। ST कैटेगरी के जितने भी छात्र हैं अभी भी एक भी छात्र का स्कॉलरशिप ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण उनका 8-10 हज़ार रुपये जो स्कॉलरशिप मिलना चाहिए था वो भी नहीं आ पाई। साथ ही साथ स्कॉलरशिप फॉर्म ना भरे होने के कारण उनका आवास योजना का फॉर्म भी भरा नहीं हो रहा है, जिसके चलते उन्हें 15 हज़ार रुपये उनसे वंचित होने की स्थिति में। अभी 1-2 महीने बाद एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन अभी छात्रों को स्कॉलरशिप की समस्या से जूझना पड़ रहा है, जबकि ये समाधान अक्टूबर नवंबर में हो जाना चाहिए था। तो हम लोग इसी समस्या से यहाँ पर अवगत कराना चाहते हैं, सर से भी बात हुई है कि इस समस्या का तुरंत निराकरण किया जाए, नहीं तो छात्र रोक आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इसी को लेकर के यहाँ पर आज छात्र संगठन DSO की तरफ से मैडम को ज्ञापन दिया गया है।